हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है मैं एक कट्टर हिंदू हूं, अगर आप मेरे सवाल का जवाब देते हो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो देखते हैं, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस गाइस देखते हैं ऐसा डॉक्टर जाकिर नाइक सर को कौन चैलेंज कर रहा है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ही देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूं और कट्टर हूं, मुझे इस्लाम भी पसंद है, मगर क्या ये जरूरी है कि मैं इस्लाम के कुछ उसूल जो मुझे पसंद हैं इनकी पैरवी के लिए मुसलमान ही बनूं? क्या हिंदू रहकर ही मैं इस्लाम की पैरवी नहीं कर सकती? मैंने आपके बहुत से लेक्चर देख रखे हैं जिसमें आप हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान मुमासलत का जिक्र करते हैं और मुझे आपको सुनना पसंद है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें तो मैं शायद इस्लाम कबूल कर लूं, मगर बाकायदा तौर पर इस बारे में सोचा नहीं है। नाज़रीन, ये अल्फाज एक हिंदू ब्राह्मण लड़की के थे जो इस्लाम से बज़ाहिर मुतासिर थी और एक बहुत ही सादा सा सवाल लेकर हाजिर हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के चैलेंज को कबूल किया और कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब देकर आपको मुतमईन कर दूंगा, उम्मीद है कि आप भी अपनी बात पर कायम रहेंगी और इस्लाम कबूल करेंगी। मगर क्या इस लड़की ने इस्लाम कबूल किया या फिर इसका ये बयान सिर्फ एक ही बयान ही तक महदूद रहा? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर पहले आपको इस लड़की के सवाल और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब अंग्रेजी से आसान उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं। Good evening again. I'm a very strict follower of Brahmanism, but I mean, I really like a lot of aspects in Islam, but is it necessary for me to convert into Islam to follow certain rules, or you know, following my own Brahman religion and then go ahead with the certain aspects which I really like about Islam? I've seen a lot of lectures of you, sir, like the similarities between Islam and Hinduism and various other lectures, but I really like your talks a lot. बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमान बनना कोई लेबल अपने साथ लगाना नहीं। इस्लाम का लफ्जी मतलब है खुदा की मर्जी पर चलकर सुकून हासिल करना। तो जो भी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है वो मुसलमान है। सिर्फ शाकिर, जाकिर, मोहम्मद, सुल्तान या अब्दुल्ला का लेबल लगाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। फातिमा या आयशा नाम रखने से भी कोई खातून मुसलमान नहीं बन जाती। पहले तो आपको ये जानना है कि खुदा का हुक्म क्या है। आपने कहा कि आप एक कट्टर ब्राह्मण है और आपने मेरे लेक्चर देख रखे हैं और खास तौर पर वो जिसमें मैंने हिंदू मत और इस्लाम में मुश्तरक चीजों का बताया, तो मेरे लिए आपको जवाब देना और आपके लिए इसको समझना आसान होगा। अगर हम हिंदू सहीफे पढ़ें तो इनमें लिखा है कि आपको अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालना चाहिए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पुराने सहीफे करप्ट होते जाते हैं, इनमें मिलावट हो जाती है, लोग अपनी तरफ से चीजें इसमें शामिल कर देते हैं, चाहे हिंदू मत हो, ईसाईयत हो या यहूदियत। इनके मानने वाले ये मानते हैं कि इनके सहीफे असल शक्ल में बहाल नहीं रहे। और मैंने पहले भी बताया कि महाभारत एक कहानी है जो अर्जुन के दादा ने सुनाई थी। इसकी इब्तिदा में 8000 श्लोक थे, फिर वक्त गुजरता गया और इस 8000 के 24000 श्लोक बन गए और आज ये 1,00,000 से जायद श्लोकों पर मुश्तमिल है। ये मैं नहीं कहता बल्कि महाभारत के स्कॉलर्स कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम सहीफों में तब्दीलियां आती गईं, मगर इस तमाम मिलावट के बावजूद इनमें कुछ ऐसे अल्फाज बाकी रह गए जिनके बारे में कहा जा सकता है ये आसमानी अल्फाज हैं। और जो भी मजहब दुनिया में मौजूद है इनमें एक चीज वाज़ह है कि खुदा एक है, इसकी कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। छंदोगर उपनिषद में लिखा है कि खुदा एक है, दूसरा नहीं। सवेता उपनिषद और यजुर्वेद में लिखा है कि इस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, यानी कोई तस्वीर नहीं, कोई छवि नहीं, बुत नहीं, पेंटिंग नहीं, तस्वीर नहीं। तो तमाम सहीफे एक खुदा की ही इबादत करते हैं। और ब्रह्मा सूत्रा को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is no image. Pratima means image, photograph, painting, picture, sculpture, statue, idol. Of that God, there is no Pratima, there is no photograph, there is no painting, there is no picture, there is no sculpture, there is no statue, there is no idol. So all the scriptures stress on the oneness of Almighty God. And the Brahma Sutra of Hinduism is Ekam Brahm Dyotanaste, Nena Naste Kinchan.
भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There's only one God, not a second one, not at all, not in the least bit. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने पूछा कि क्या मैं ब्राह्मण रहते हुए इस्लाम की पैरवी कर सकती हूँ, तो एक नॉर्मल ब्राह्मण रहते हुए इस्लाम के अहकाम की पैरवी करना मुश्किल हो सकता है, मगर आप अगर कट्टर ब्राह्मण है जो वेदों को मान कर चलती है, तो आपके पास अपनी मर्जी को खुदा के आगे ढाल देने के सिवा कोई चारा ही नहीं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल ब्राह्मण है जो वेदों पर कुछ हद तक अमल करता है, कुछ हद तक नहीं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। मगर कट्टर ब्राह्मण के लिए खुदा को एक जानने और मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कट्टर ब्राह्मण बुतों की पूजा नहीं करेगा और खुदा की कोई शबी नहीं है। और अगर आप अपने सहीफे पढ़ें तो आपके सहीफों में एक आखिरी नबी की आमद का जिक्र है। अगर आप कट्टर ब्राह्मण हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि खुदा ने अपने आखिरी पैगंबर को भेज दिया है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आखिरी पैगंबर को हिंदू सहीफों में कल्कि अवतार कहा गया। मगर जब आपके सहीफे कहते हैं कि आपको कल्कि अवतार को फॉलो करना है और आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा वो आपके सहीफों में लिखी गई किताबों के साथ मिलता जुलता है, मगर वहीं दूसरी तरफ जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो आपके सहीफों के बिल्कुल उलट होगा। If you are a strict Brahmin, you have no option but to believe there's one God, he has got no images, he has got no idols, and you also have to believe that Almighty God's last messenger, final avatar, Kalki avatar is Prophet Muhammad, peace be upon him. But when your scriptures say you have to follow the Kalki avatar and follow the last and final messenger, so when you read the teachings of this messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, you'll find that it is matching with many things what is mentioned in your scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह ताला का आखिरी सहीफा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। यह कुरान पाक फुरकान है, यह सही और गलत की तमीज सिखाता है। हमारा ईमान है कि कुरान पाक में जो भी लिखा है अगर ये ईसाइयों के बाइबल और हिंदुओं के वेदों से मिलता है तो फिर ये बिलाशुबा अल्लाह ताला का कलाम है, मगर हिंदू और ईसाई ये नहीं मानते। अगर आप कट्टर ब्राह्मण हैं तो आपको बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको अकीदा तौहीद पर अमल करना चाहिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर मानना चाहिए। सिर्फ यही चीज ही फॉलो कर लें तो मुझे यकीन है कि आपको जन्नत में भेजने के लिए काफी होगा। कुरान पाक में लिखा है कि खवातीन को शायस्ता लिबास पहनना चाहिए, वेदों में भी लिखा है शराब नहीं पीनी चाहिए, यह कुरान पाक में भी है और वेदों में भी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो दोनों सहीफों में एक जैसी हैं। आप इन पर अमल कर लें तो आप दुनिया के इस इम्तहान से पास हो जाएंगे। आप चाहें तो और भी इस्लामी अहकामात मान सकती हैं, मगर मुझे लगता है कि जन्नत में जाने के लिए इन तीन बुनियादी चीजों पर ईमान निहायत जरूरी है। आपके स्कॉलर्स ही कहते हैं कि आपके सहीफे में तब्दीलियां आ चुकी, तो जो भी कुरान पाक के साथ मैच नहीं करता समझ लें कि असल सहीफे में नहीं था और ये बाद में शामिल किया गया। जो भी मिलता है आप इसकी पैरवी शुरू कर दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा कि क्या आपको मेरे इस लेक्चर से इत्तफाक है जो मैंने इस्लाम और हिंदू मत में ममास्तत पर दिया। उस लड़की ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि वो सच था। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आप इन चीजों की पैरवी करेंगी? उस लड़की ने फिर हाँ में जवाब दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप इन चीजों की पैरवी कर रहेंगी तो अमली तौर पर आप मुसलमान हो चुकी। अरबी में हम इसको मुसलमान और अंग्रेजी में मुस्लिम कह सकते हैं, मगर हकीकी तारीफ तो यही है कि मुसलमान वो शख्स है जो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाल देता है। मेरे नजदीक फिर आप इस्लाम की पैरवी कर रही हैं और मुसलमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि आप अपने इसी अकीदे को अरबी जबान में दोहराना चाहेंगी? इसमें आप कहेंगी कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर है। उस लड़की ने कहा कि जो भी आपने कहा मैं इससे इत्तफाक करती हूँ, मगर क्या जरूरी है कि मैं खुद को मुसलमान भी कहूँ? डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिम्मत न छोड़ी और कहा कि अगर आपको यकीन है कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, तो ये दो चीजें ही आपको दायरा इस्लाम में दाखिल कराने के लिए जरूरी हैं, यानी पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लेने के लिए बाद में मेहनत होती रहेगी। सिस्टर, वुड यू लाइक टू प्रोक्लेम इन अरबिक फैशन, यू नो, सिंस यू से यू एग्री दैट देयर इज वन गॉड एंड यू एग्री दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर, सो वुड यू लाइक टू प्रोक्लेम दैट यू आर अ मुस्लिम? I mean, I wouldn't say I'm a Muslim, but yeah, I do accept whatever you say. So if you agree that there is one... इंटरेस्टिंग वीडियो था। सबसे पहले बात कर लेंगे जो बेसिक चीज रहे हर रिलीजन का, अगर आप हर रिलीजन को पढ़ोगे दूसरे लोगों के बातों में आके, जो स्कॉलर की बातों को छोड़ के अगर आप खुद रिसर्च करोगे तो हर धर्म में ये बताया गया कि जो इस संसार को चलाता है, इस दुनिया को पूरा कंट्रोल करता है, वो सिर्फ एक ही है, वो एक सुपर पावर है जो हर किसी को चलाता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, उसका बनाने वाला सिर्फ एक है। सो अगर आप हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में देखोगे और
क्रिश्चियन धर्म और यहूदी धर्म में भी बोला जाता है कि यार जो शराब है वो बैन है, ठीक है, तो हम ये सब चीज़ों को इक्वेलिटी जो है वो सब चीज़ों को क्यों नहीं अपना सकते, वो सब चीज़ों पे क्यों डिस्कशन नहीं करते हैं जब हर धर्म में इक्वेलिटी है और एक भगवान एक ईश्वर का जब उसमें बताया गया है तो उसकी इबादत क्यों नहीं करते हैं हम, एक सोचने एक वाली बात। बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज का फर्क है कि जो मतलब वेदों में जो ब्रह्मा को बोला गया कि ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्मांड को बनाने वाला, मतलब वो एक है, वही सेम चीज अगर आप हर धर्म की किताबों में देखोगे तो वही बताया गया है कि जो दुनिया को बनाने वाला है वो एक क्रिएटर है, आपको सिर्फ उसी की पूजा करनी है। लेकिन क्या होता है लोग, और जैसे कल्कि अवतार के बारे में भी जो बोला गया, तो अवतार का जो मतलब है वो मैसेंजर के तौर पे है, लेकिन लोग उसको टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई है और मतलब चीज़ें समझ नहीं पाते हैं लोग कई बार, ठीक है, इसको जो हमें हमारी जो धार्मिक किताबें उनको समझने के लिए बहुत हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एक ही धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, ज्ञान जहाँ से भी मिलता है हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे सभी धर्मों के बारे में आपको उतनी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि हमारा जो भगवान है, जो हमारा क्रिएटर है, वो कितना पावरफुल है, वो क्या है और उसने हमसे क्या बोला है। तो आपको यही मिलेगा एंड में कि भगवान जो है, जो हमारा क्रिएटर है, वो एक ही है, लेकिन लोगों ने टाइम के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस कर दिए हैं। सो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।